Hi guys, welcome Animal Spal channel. Now we are in Sarojini Market. Let's go. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमाज लाइफ। और मैं हूँ अनिमा एंड ये है जीबी, शी इज जीबी। सो अभी हमें सरोजिनी मार्केट, लेट्स गो। सो लेट्स गो, आई वांट टू शो यू सरोजिनी मार्केट। सो चलो सरोजिनी मार्केट देखते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या है सरोजिनी मार्केट में। बहुत फेमस है सरोजिनी मार्केट भाई। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है सरोजनी मार्केट का गेट और गेट नंबर 3। और यहाँ से आप लोग एंटर कर सकते हैं, इसके अंदर पूरा मार्केट शुरू हो जाता है। और बहुत ही बड़े एरिया में है सरोजनी मार्केट। तो चलिए चलते हैं मार्केट के अंदर और उसको एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को लेकर के आ गई हूँ बैग्स की शॉप पे। यहाँ पे शॉप और शोरूम और हॉकर्स सब तरह का मिल जाएगा आपको। जिस तरह से प्रेफर करते हैं, जैसे भी लेना प्रेफर करते हैं, आप उस तरह का ले सकते हैं। तो ये बैग्स वगैरह थे जो वो थे 200 की रेंज में। और यहाँ देखिए ये लगी हुई है सेल। और जनरली आप लोगों को ना इस मार्केट में सेल वाला ही पैटर्न देखने को मिलता है, जैसा कि 100, 200, 150। और जो ये ऊपर के जो भी क्लॉथ्स वगैरह देख रहे हैं, ये 250 की रेंज में हैं सारे के सारे। और बहुत ही लेटेस्ट कलेक्शन है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन मिलता है। और ये देखिए 100 रुपीज में टी शर्ट्स वगैरह हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ना वैरायटीज़ की बात की जाए तो बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं, बहुत सारे पैटर्न मिलते हैं। मतलब आपको हर तरह का क्लॉथ्स देखने को मिलेगा। और ये देखिए ये रहे शॉप्स और इसी के आगे है शोरूम। और बहुत ही बड़ा मार्केट है। तो चलिए आप लोगों को लेकर के चलते हैं आगे अभी हम। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना कि अभी मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड अभी फैला ही हुआ है और नए नए वेरिएंट आ रहे हैं कोविड के। तो मास्क अभी भी अलाउड है, तो आप लोग मास्क पहन करके ही मार्केट वार्केट में जाएं। तो चलिए लेकर के चलते हैं अभी आप लोगों को मार्केट में आगे और दिखाते हैं बहुत सारी चीज़ें मार्केट से और बहुत सारी जानकारी देते हैं मार्केट की लेटेस्ट में। और यहाँ से अब चलिए आप लोग मेरे साथ अकेले, क्योंकि जीबी ना यहाँ से दूसरी साइड जा रही थी, क्योंकि उसको कुछ और लेना था इसलिए। और मुझे मार्केट कवर करना था, मतलब आप लोगों को मार्केट की जानकारी देनी थी। तो इसलिए चलते हैं, मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। और ये देखिए ऊपर आ गया है ट्रेडिशनल वियर, सारे सूट्स वगैरह हैं यहाँ पे, प्लाजो है, कुर्ती है। और यहाँ पे इस मार्केट के अंदर ना आप लोग मतलब ट्रेडिशनल वियर, वेस्टर्न वियर और शॉर्ट्स, आपको जो भी चाहिए आप सब कुछ ले सकते हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत से पैटर्न है, कितने खूबसूरत से कपड़े हैं। मतलब अगर आप इस मार्केट में नहीं गए हैं तो एक बार जाइएगा ज़रूर। अगर दिल्ली से हैं तो मुझे लगता है कि गए ही होंगे, और अगर नहीं होंगे, बाहर से हैं, तो जब भी दिल्ली का चक्कर लगे तो एक बार इस मार्केट में ज़रूर जाइएगा। और इस मार्केट की स्पेशियलिटी मैं बताती हूँ आप लोगों को कि एक तो बहुत ही सस्ता मार्केट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, सोच से भी सस्ता कह सकते हैं। क्योंकि आपको जो भी दिख रहा होगा सारा का सारा 100, 200 और 150 की रेंज में ही दिख रहा होगा। और जैसा कि यहाँ सेल पैटर्न है, मतलब आपको बार्गेनिंग कर सकते हो आप लोग। लेकिन हाँ, अगर बड़ी शॉप पर जा रहे हो, कोई शोरूम में जा रहे हो, तो वहाँ पर आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह से ले रहे हो तो इस तरह से ये फिक्स्ड प्राइस होते हैं। यहाँ पर ये लोग ना कम नहीं करते हैं, जितना लिखा हुआ होता है आपको उतना ही देना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना मतलब चीप और इतना कम प्राइस करके बताते हैं, तो उसमें वो लोग कम नहीं करते हैं फिर। तो यहाँ पे लेकर के आ गई हूँ आप लोगों को मैं, ये देखिए टी शर्ट्स एंड टॉप्स एंड वन पीस ट्यूनिक्स वगैरह हैं गर्ल्स के, जो कि बहुत ही लेटेस्ट कलेक्शन है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। और हाँ फ्रेंड्स, इस मार्केट की मैं एक बहुत ही खास बात बताती हूँ, इस मार्केट की मतलब वो स्पेशियलिटी कि जो यहाँ मिलेगा ना वो आपको होल दिल्ली में कहीं नहीं मिलने वाला है। मतलब सरोजनी मार्केट पे तो गाना भी आ गया है कि मैडम चली डिस्को सरोजनी के पहन के कपड़े, ऐसा कुछ करके शायद आप लोगों को याद होगा। तो मतलब जो सरोजनी में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। और यहाँ पे ये देखिए बेड शीट्स वगैरह हैं, ये चादर वगैरह है और पिलो कवर है, मतलब अलग से भी है और कॉम्बो में भी है, जो कि 350 और 500 की रेंज में, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और अब चलते हैं मार्केट में आगे की तरफ। और इस टाइम पे ना मार्केट में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, कि बहुत सारे हॉकर्स ना बाहर लगा के रखते थे, मतलब स्टैंड में कपड़े टांग के रखना या फिर हाथ में कपड़े टांग के बेचना इस तरह से। लेकिन अभी क्या है ना कि ये जो इनका कौन सा एसोसिएशन होता है, मतलब ऐसे कपड़े बेचने का, सेल एसोसिएशन जो भी है सरोजनी नगर मार्केट का, तो इन लोगों में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। मतलब जो शॉपकीपर्स वगैरह थे, शॉप वाले थे, वो ये कह रहे थे कि हमारे शॉप के सामने हॉकर्स
पोस्ट लगा लेते फिर कस्टमर हमारी शॉप पे नहीं आता, तो थोड़ा सा इशू चल रहा था। तो इस वजह से ना मार्केट थोड़ा सा हल्का है, मतलब ये जो बाहर लगाने वाले लोग हैं ना वो लोग मार्केट नहीं लगा पा रहे थे, और आपको ये शॉप्स वगैरह ही दिख रही है। अदरवाइज इस मार्केट में ना इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और ये देखिए बच्चों के खिलौने वगैरह आ गए हैं, ये भी 100 रुपीज़ में, मतलब जनरली आपको ना यहाँ पे 100 रुपीज़, 200, 150, 250 इसी तरह की रेंज में ही सारा सामान मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे आ गए हैं मेंस टी शर्ट्स वगैरह, और यहाँ पे हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों को ज्वेलरी की दुकान पे, मतलब ज्वेलरी के स्टॉल पे, और जो कि ज्वेलरी 50 रुपीज़ से शुरू होती है और बहुत ही सुंदर सुंदर से बैंगल्स हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको हाथ से नहीं दिखा पा रही क्योंकि एक हाथ से, मतलब एक हाथ में थोड़ा सा मेरे सामान था और एक हाथ से मैं वीडियो शूट कर रही थी ऑफकोर्स। तो बस आप लोग ना इसे देख सकते हैं कि हाँ बहुत ही अच्छा है। मैं आप लोगों को मार्केट घुमा रही हूँ, मार्केट दिखा रही हूँ, मार्केट का ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आप लोगों को सरोजनी मार्केट का एक आइडिया लग पाए। और जब आप लोग मार्केट जाएंगे वो तो तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे सामान मिलता है और क्या रेंज होती है, ये सब कुछ तो आपको वहां देख करके ये देखिए। 250 में और इस मार्केट में ना फ्रेंड्स जब भी जाएं खूब सारा टाइम लेकर के जाएं, क्योंकि इस मार्केट में कम से कम आपको 3 से 4 घंटे तो अच्छे खासे निकलने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा मार्केट है। और फिर हम गर्ल्स लोग अगर मार्केट में जाते हैं ना तो मतलब पता ही नहीं चलता है टाइम का कि कब कहाँ कौन सा टाइम निकल गया, इतनी सारी चीज़ें हैं इस मार्केट में। और हाँ, आप लोगों को इस मार्केट में हर चीज़ मिल जाएगी, मतलब होम डेकोरेशन क्लॉथ्स और आपकी होम एसेंशियल जो भी जितनी भी ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं ना वो सारा को सारा यहाँ पे मिल जाता है। और वैसे अगर देखा जाए जनरली तो ये मार्केट ना लड़कियों के कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लड़कियों की यहाँ पे हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं, मतलब वेस्टर्न वियर, ट्रेडिशनल वियर एंड शॉर्ट्स, जंप सूट्स, आप जो भी लेना चाहें वो सारा कुछ आप ले सकते हैं। और ये देखिए हम आ गए हैं मेंस जींस पे, और बहुत ही अच्छे कपड़े होते हैं यहाँ के। अभी मैं फोन कर रही हूँ वीडियो कॉल पे, फिर मैं दिखाऊंगी। जेंट्स का, लेडीज का, जींस का, जेंट्स का, लेडीज का, जींस का, जेंट्स का, लेडीज का, मैं देख ले रही हूं ऐसे करके। एक दे है ना, ओ यार टी-शर्ट्स का क्या रेट है? टी-शर्ट का ओ रेट फिर बताओ। मैडम दिया है 50 रुपए दिया है, 10 रुपए ले ली। अभी कर ली है मैंने शॉपिंग, मतलब मुझे जो भी कुछ चाहिए था, वैसे मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं लिया था यहाँ से क्योंकि कैरी करना थोड़ा मुश्किल था ना, इसलिए दोनों काम नहीं हो सकते, मतलब मैं शॉपिंग भी कर लूँ और फिर मैं वीडियो भी बना लूँ। लेकिन हाँ ये है कि अब इस मार्केट में जाएं और कुछ लें ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ, जो थोड़ा बहुत मैंने कुछ अपने लिए एक दो टी शर्ट्स और टॉप्स वगैरह ले लिए थे, और जीबी को कुछ लेना था एक्चुअली, उसको जो लेना था वो पता नहीं उसको समझ नहीं आ रहा था, मिल नहीं रहा था, तो अभी हम उसके लिए शॉपिंग कर रहे थे। और
यहाँ पे मुझे शॉपिंग करते करते ना कम से कम 3 से 4 घंटे हो चुके थे, क्योंकि हम आफ्टरनून पहुँचे थे और इस टाइम पे है इवनिंग का टाइम, जो कि लाइटें वाइटें जल चुकी हैं अभी बाहर की भी, मतलब शॉप के अंदर तो लाइटें जली चुकी थी लेकिन बाहर भी लाइटें जल चुकी थी। और ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह हैं जो कि 250 में है, मतलब आप लोगों को ना इस मार्केट का अंदाज़ा लग जाएगा कि ये मार्केट कितना सस्ता है और क्या कुछ नहीं मिलता है। मतलब इस मार्केट में आप लोग देख रहे होंगे कितने सारे पैटर्न है और कितने सारे क्लॉथ्स हैं, मतलब कोई ऐसा कपड़ा नहीं होगा, कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं होगा, कोई ऐसा स्टाइल नहीं होगा जो यहाँ मिलता नहीं होगा। मतलब एक जो ट्रेडिशनल वियर है जो सिर्फ सूट पहनती है उसको भी वैराइटीज़ ऑफ सूट्स मिल जाएंगे लड़की को, और जो लड़की मतलब पूरा फैशन करती है, फुल ऑन फैशन गर्ल है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ बहुत सारे कपड़े मिल जाते हैं। मतलब जो भी जिस तरह का भी वो पहनती है, तो बस मैं ये दिखा रही हूँ कि ये मार्केट का ओवर। और मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा होगा या फिर मेरी मेहनत थोड़ी बहुत तो समझ आ रही होगी। यार ऑफ कोर्स बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। और अगर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो, मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग ना पूरे ध्यान से मतलब बहुत ही केयरफुली मेरे वीडियोज़ देखते हो और मेरी जो भी कमी है वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, आ सकते हो, कमेंट में जाके लिख सकते हो। और यहाँ पे कपड़े तो इतने अच्छे मिलते हैं ना कि उनसे मन ही नहीं हटता, मतलब दिल ही नहीं हटता है कि कितना कुछ कवर कर लूँ ऐसा लगता है। और ये देखिए ये ऊपर के शॉर्ट्स वगैरह हैं और नीचे की केप्रीज वगैरह हैं जो कि 200 में मिल रही हैं। क्या चाहिए भाई, मतलब आप कहीं भी अगर जाओगे तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सस्ता कहीं भी मिलता होगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही चीप वाला मार्केट है। महंगे से महंगा सस्ता कर दिया, महंगे से महंगा सस्ता कर दिया है। वो मोटी नहीं आएगा। बज गया है शाम का 7 और शाम हो गई है। अभी मैं हूँ सरोजनी मार्केट में, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग करनी थी तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली। और मेरी फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है स्टार्टिंग में, जीवी ने भी बहुत सारी शॉपिंग की, तो इसलिए ना हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये है सरोजनी मार्केट एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। नहीं भैया जी, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो एज यूजुअल रेड वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एक हाथ में सामान ले रखा है तो बिल्कुल भी कुछ ही नहीं कर सकते।